नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं प्रिया सिन्हा। चंपारण जिला अंतर्गत पड़ते अरेराज के रड़िया गांव में ग्रामीणों के द्वारा अरेराज बेतिया मुख्य मार्ग पर रड़िया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने पर गुस्साए लोगों ने जूते का माला पहनाकर जीतन राम मांझी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सरकार तथा नीतीश कुमार से भी जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा, हम सब लोग किसी भी जात पात का भेद नहीं रखते, तो जीतन राम मांझी हमको क्यों बांट रहे हैं। बढ़िया ग्राम में जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया, अगर हम लोग जीतन राम मांझी का, नीतीश कुमार का और एनडीए सरकार का पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, अगर एनडीए सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे इस ग्राम में हुआ, प्रखंड में कल हुआ था, आज भी प्रखंड में होगा, फिर जिला में होगा और उसके बाद राज्य स्तरीय होगा, लेकिन पुरजोर जीतन राम मांझी का विरोध किया जाएगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतन राम मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर एक गांव से, हर एक पंचायत से एक साथ उनको बहुमत में लाए हैं, उसी तरह है अगर जीतन राम मांझी के बोली पर नियंत्रण का साझा अगर नहीं देते हैं तो हम लोग उनको मिटिया मीट मिला देंगे, एनडीए सरकार को फिर पुनः मुस्को भवह कर देंगे। जय परशुराम। आज रड़िया गांव में आज पुतला दहन हुआ है, वैसे ही हम लोग का आज प्रखंड में भी है, जिला में भी है, राज्य स्तरीय भी है, हम लोग का काम चल रहा है। ठीक है, ये तो हो ही रहा है। इसके साथ में जहां पे भी ब्राह्मण है वो एकत्र हो जाए, एकता एकता का प्रतीक दे और हर जगह इसका विरोध पुरजोर करे कि हर कोई भी बोलते समय ये सोचे कि क्या किसके बारे में क्या बोल रहा है। हम लोग ये नहीं है जो खाली पूजा पाठ करके और सब लोगों के लोगों के अच्छाई के बारे में ही खाली सोचे, ये नहीं है। हम लोग शास्त्र भी जानते हैं तो शस्त्र भी जानते हैं, शस्त्र भी हम लोग चलाना जानते हैं। ये नहीं है कि बोल दिए कुछ भी और बोल दिए कि सॉरी माफ कर दीजिए तो माफ कर देने से ऐसा करके कुछ भी नहीं होगा। जीभ काट लो, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ये पूरे तरह से हम लोग एकत्र हो गए हैं और एकता का प्रतीक इसका उसका संस्कार वही है, वो तो मूस खाने वाला है। उसको तो कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से जब ये हुआ उसके बाद में वो मूस मार के घुमा रहा था, जब उसका मूस खाने वाला आदमी का कैसा संस्कार होगा, उसके संस्कार के विषय में हम लोग को क्या बोलना, बोलने के लिए हम लोग को कोई उसका जरूरत नहीं है। मगर आज हम लोग एकता का प्रतीक, आज हम लोग एकता करके आगे बढ़ना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को अपने पूरे एकत्रित हो जाना है। जो कोई एक उंगली भी उठाए तो उसके लिए हम लोग का फर्सा तैयार रहेगा। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।